अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आज का वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो किसी भी देश में रहते हों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया में कहीं पर भी आप अगर हैं और आपके एक ख्वाब है कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप मेडिसिन के शोबे में बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, दुनिया की खिदमत करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बचपन से ये ख्वाब होता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि हमारी बेटी या बेटा बड़े होकर डॉक्टर बने। तो लिहाजा ये ख्वाब एक इतनी आसानी के साथ आज पूरा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी जी हाँ, जहां मैं मौजूद हूँ, जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, यहाँ डॉक्टर बनना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप अपनी मेहनत पर यकीन रखते हो। मेहनत आपकी और हिदायतें हम आपको दे रहे हैं। करना क्या है जी आपने कि आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई करना है, आपने यहाँ पर मेडिसिन के लिए एडमिशन लेना है। और सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि नो कॉस्ट, यानी आपको ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं है, फॉर फ्री आप यू कैन बिकम अ डॉक्टर। तो बात शुरू करते हैं कि MBBS करना, इस यानी कि डॉक्टर बनना इस कंट्री में इतना आसान कैसे है। लेकिन हम थोड़ी सी बात पहले इस प्रोफेशन के हवाले से कर लें कि MBBS पूरी दुनिया में, जैसे कि पता है इंडिया पाकिस्तान में सबको ये बात पता होती है, बच्चे बच्चे को पता होती है कि MBBS किया जाता है डॉक्टर बनने के लिए। और MBBS होता क्या है? MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ सर्जरी एंड बैचलर्स ऑफ मेडिसिन। और ये वो डिग्री होती है जिसको हासिल करने के बाद आप दुनिया में कहीं भी, यानी कि जब आप जर्मनी से करते हैं, यानी जर्मनी से जब आप करेंगे, इस कंट्री से आकर जिस वक्त आप इसको पास आउट कर लेते हैं, 6 साल का ये मुकम्मल एक पूरी एक तालीम है जो आप लेते हैं, पूरे 6 ईयर्स की। हमारे देशों में मुख्तलिफ इसके साल हैं, हाउस जॉबिंग, यानी हर चीज का एक अलग है। लेकिन हमारे इस जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जर्मनी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ 6 साल का ये एक पूरा टाइम पीरियड आपका इसमें लगने वाला है। और MBBS के बाद, इस 6 साल के बाद, आप कहीं पे भी दुनिया में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। यानी आपकी ट्रेनिंग और वो सब कुछ एक साइड बाय साइड है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन जाते हैं 6 साल में। यानी आपके लिए बहुत सारे वो जो कंट्रीज खुले हुए हैं, जिनमें सारे फेरिस, तो पहले तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, अपने ही इसी जगह जहाँ आपने किया है जर्मनी, और यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज में आप कहीं पे भी जाकर जॉब कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशन आप बाकायदा एक डॉक्टर बनकर अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरे वो कौन से कंट्रीज हैं जहाँ ये इस डिग्री पे आप काम कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर UK, इंडिया, पाकिस्तान और यूक्रेन, रशिया, यानी इस तरफ की भी वो कंट्रीज, यूरोपियन रीजन के अलावा जो मैं आपको कंट्रीज बता रही हूँ, यानी कि बहुत सारी दुनिया के वो कंट्रीज आपके लिए खुल जाते हैं महज 6 साल की इस तालीम के बाद। यानी फर्दर ये नहीं कि आपने कोई और भी इम्तहान पहले पास करना है, उसके बाद आप ऐसे डॉक्टर काम कर सकेंगे। जर्मनी से डॉक्टर बनने वाले जो भी प्रोफेशनल्स निकलते हैं, जो डॉक्टर बन के निकलते हैं, उनकी डिग्री के साथ मेड लिखा जाता है, MED मेड। ये एक डिफरेंस है बजाहिर उनकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ। और यहाँ पे भी जब हम डॉक्टर्स के साथ परस्यू करते हैं तो उनके नाम के साथ भी MED मेड लिखा हुआ होता है। ये जर्मनी की खास यानी फर्क है। जो लोग US से करते हैं, अमेरिका से लोग जो डॉक्टर बनते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली मतलब उनको लिखा जाता है कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, लेकिन यहाँ ये फर्क है कि ये मेड लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा फर्क है टर्म्स का जो मैंने आपको बताया, लेकिन और तालीम का, ट्रेनिंग का कोई फर्क नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड का कंट्री है, लिहाजा यहाँ की तालीम बहुत ही बेमिसाल है। लिहाजा क्योंकि तालीम का मेयार बहुत ही बुलंद है, तो इसी वजह से जो डॉक्टर्स के लिए जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो वहां से उन बच्चों को उठाते हैं जो बिल्कुल अपने लेवल्स में क्रीम होते हैं, बिल्कुल क्रीम लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर जर्मन जबान में डॉक्टर बन सकते हैं, जो कि मैंने फिर वो बता दूं कि बिल्कुल फ्री है, 6 साल 3 महीने का, तकरीबन 3 महीने की ट्रेनिंग का एक रख लीजिए एक पीरियड, तो 6 साल 3 महीने में एक डॉक्टर कंप्लीट डॉक्टर बनता है और वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसकी शराइत क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इनका मेयार तालीम, स्टैंडर्ड ऑफ यानी कि जो एजुकेशन है वो बहुत हाई है, तो लिहाजा ग्रेड्स जो हैं, परसेंटेज जो है, वो जो मार्क्स हैं, वो आपके बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं? जी हाँ, वही जो हमारे देशों में होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक फर्क है कि हमारे देशों में मैथ्स जो है वो मेडिसिन के लिए इतना जरूरी नहीं होता, यानी मैथ्स नहीं लेते लोग, फिजिक्स लेते हैं नॉर्मली,
और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब जो एक नॉर्मली जो एक साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं यही होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यानी इसमें भी एक बता दूं मैं आपको एक बात, या तो आपके पास फिजिक्स हो या मैथ्स हो, तो ये क्या, या तो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, और फिर वही जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारे सब्जेक्ट्स में ए होने चाहिए, तो अच्छा बी भी समटाइम्स यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में अगर बी है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में वो उसको इक्विवेलेंट उसके होना चाहिए, यानी 90% और अबव, इतना यहाँ पे लेवल है मेडिसिन करने के लिए, ये थोड़ा सा हाई है, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी जो एक मैटर आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा एक अच्छी बात भी है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करता है, डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई करता है, तो उसे उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स साइट्स है, इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स किस्म की साइट है जहाँ से इनके अपने सिटीजन बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं, वो बहुत ही एक मुश्किल, उसकी उसका नाम है, मतलब आपको वहां नहीं करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और उस साइट का नाम है हॉपशूल, तो वो साइट हॉपशूल स्टार्ट। लिहाजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, जो जर्मन होते हैं, जिनके पास जर्मन पासपोर्ट होता है और जो जर्मन जबान में ही सब कुछ पढ़ा होता है, उनको जिस साइट से जहां से वो अप्लाई करते हैं टू बिकम अ डॉक्टर, वो साइट जरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मशहूर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुश्किल साइट है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उससे बच जाते हैं। उस साइट का नाम भी मैं एहतियातन आपको बता दूं, वैसे आपकी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए कि वो हॉकशूल स्टार्ट, ये एक साइट है जिससे यहाँ के सिटीजन बच्चे जो हैं वो उनको जो उन्होंने जर्मन जबान में सब कुछ पढ़ा होता है वो यहाँ से अप्लाई करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एक ऑर्डिनरी तरीके से अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है इनकी लैंग्वेज, इनके तमाम तालीम जर्मन जबान में दी जाएगी, 6 साल 3 महीने आपको जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी किताबें आपने पढ़नी हैं, जो कुछ भी है ट्रेनिंग, उस तमाम जर्मन में होने वाली है। दिमागी तौर पर इस चीज के लिए तैयार रहिए, यानी आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी तो हासिल हो रहा है ना कि फॉर फ्री यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि आपको कोई ये नहीं है कि कोई कॉस्ट आपको नहीं आ रही, आप एक मेडिकल ग्रेजुएट होने जा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को हासिल करने के लिए एक थोड़ी सी इसको यूं कर लीजिए कि एक एक्स्ट्रा मेहनत है कि आपको जर्मन जबान में फ्लुएंसी चाहिए, आपको फ्लुएंट इन जर्मन होना चाहिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स, फिर से कहूंगी, सारी किताबें, सारा कुछ, सारा नॉलेज, सारी ट्रेनिंग, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो थ्योरी की शक्ल में हो, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, एवरीथिंग जो है वो जर्मन में होने वाली है। तो लेवल क्या चाहिए आपको जर्मन जबान का? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको चाहिए C1 लेवल। C1 लेवल जो है वो एक बड़ा ही फ्लुएंट लेवल होता है, और इसको अचीव करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज आपकी मदद करती हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जर्मन जबान की प्रोफिशिएंसी आपके लिए बहुत जरूरी है, यूं समझिए कि लाजिम मंजूम है, इंडिस्पेंसिबल, क्योंकि आप जहां पढ़ रहे हैं वो तमाम चीजें आपको जर्मन जबान में ही पढ़ा रहे हैं। फिर बता रही हूं कि इसके लिए वो आपको खुद फैसिलिटेट करेगी यूनिवर्सिटी, तो एक जबान आपको जरूर, लैंग्वेज का एक बैरियर है, ये एक साल आपको लगेगा C1 लेवल लाने में, और ये इसके लिए यूनिवर्सिटीज खुद फैसिलिटेट करती हैं। इस कोर्स को स्टूडियन को लेक कहते हैं, और इसमें आपको पूरा इसको पास आउट करना है, पूरी जबान आपको सीखनी है प्रोफिशिएंसी के साथ, जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं, ये जबान अपनी इस तरह से आपको आनी चाहिए, पूरा अबूर होना चाहिए, इसमें मेहनत आपकी जरूर लगेगी। फिर उसके बाद जो है वो मंजिल करीब होगी, क्योंकि तमाम लेक्चर्स, तमाम चीजें, तमाम किताबें जर्मन जबान में होने वाली हैं, तमाम ट्रेनिंग, यानी लैंग्वेज की इस तरह से है कि आपको वहां पे अपनी इंग्लिश इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तब आपको इसलिए इस जबान को तो सीखना ही है। फिर उसके बाद ये है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज से, बाहर की दुनिया से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, और इस कंट्री के अंदर भी मौजूद होते हैं वो, यानी यहाँ पर भी आपको शायद पता हो या आपके इल्म में है कि नहीं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसे होते हैं हमारे कंट्री से बिलोंग करने वाले, जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने पूरी अर्ली जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हासिल की होती है, तो वो भी इसी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से C1 लेवल तक अपनी जबान इस स्टेज पर आकर सीखनी होती है, अगर उन्हें डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, तो इसी तरह से सीखनी है। इस प्रोफेशन में इस चीज की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी की एक पूरा एक नॉलेज है जो आप लेने जा रहे हैं, और दूसरों की यानी कि लाइफ, पूरी जिंदगियों का दारोमदार एक डॉक्टर पर होता है, लिहाजा यहाँ जबान को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि आपकी समझ में सब कुछ सही आया
तो आप सही जाके आगे करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई भी चीज आपके लिए मतलब इग्नोरेंस यहाँ जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती जवान के मामले में, बहुत ज्यादा अबूर होना चाहिए। फिर क्या है कि अगर आप उन कंट्रीज से आते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, तो एक आपकी यानी कि हायर लेवल तो आपके हैं पढ़ाई के, आपने 90+ में आपकी 90% आपकी है, लेकिन इसके बावजूद एक बाज यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं कि एंट्रेंस एंट्री एग्जाम, और अगर आपके ग्रेड्स इतने यानी कि थोड़ी बहुत भी उसमें कमी बेशी है, लेकिन अगर इसके साथ आपने कोई नर्सिंग का कोई रिकग्नाइज्ड आपके पास कोई प्रोग्राम है, आपने किया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पर कोई फैसिलिटेट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज इस चीज को प्रेफर करती हैं, यहाँ पर ऐसा है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अब आपको लैंग्वेज का भी हमने बता दिया, एंट्री एग्जाम का भी बता दिया, अब क्या रह गया जी, अब आपके पास ट्यूशन फी की आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ट्यूशन फी आपकी फ्री है, लेकिन जो एनाटॉमी बुक्स हैं जो आपका आने जाने का यानी आपकी यूनिवर्सिटी आपके रेजिडेंस से कितनी दूर है, कितनी करीब है, ये आपका दर्द सर है, यूनिवर्सिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपको इसके एक्सपेंसेस आपको खुद बर्दाश्त करने हैं। आने जाने का जो सर्कुलर ट्रैम्स और ट्रेन्स चलती हैं, दुनिया में मशहूर है जर्मनी का सिस्टम, उसकी भी एक कार्ड बनता है स्टूडेंट्स का, वो कार्ड आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी उसमें रियायत होती है, वो पूरे महीने का कार्ड बनता है, पूरे साल का कार्ड भी बनता है, तो उसके हिसाब से हम इस पर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, हमने यहाँ की जो तमाम जो ट्रैम्स और ट्रेन्स का पूरा सिस्टम है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत हमने बात की हुई है, अगर आप शुरू से हमें देखते हैं तो आपको वो इल्म होगा, वरना आप हमारी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। कोई सवाल जहन में तो आप हमसे कर सकते हैं, लेकिन इस जो एनाटॉमी बुक्स हैं, जो आपका जो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा आने जाने का, वो 350 यूरो के लगभग हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो डिपेंड करता है कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप एक शेयरिंग रूम में भी रह सकते हैं कि आपको अपना इंडिपेंडेंट चाहिए। अच्छा, इस पे भी हमने अभी आपसे उस दिन इस पे बात की हुई है कि हमने आपको ये एक फ्री आपको ये एडवांटेज हासिल है कि आप हमसे अपनी जो रेजिडेंस है वो आप हमसे मतलब कह सकते हैं सर्च करने के लिए, आप आराम से, आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि हम आपके लिए वो फॉर फ्री सर्च करके आपको देंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उसमें आपका आपका अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपकी अकोमोडेशन के साथ साथ आपका जो रोजमर्रा के जो ग्रोसरी है उसमें आ जाती है, इंक्लूडेड होती है, वो तो ऑब्वियस चीजें होती हैं जो आपको पता ही होती हैं, जब आप किसी कंट्री में आते हैं तो आपको पता होता है कि आपके अखराजात क्या है, किस तरह से आपने उनको मैनेज करना है, और वो भी कोई इतने ज्यादा नहीं होते हैं। वो फिर मैं आपसे कहूंगी वो डिपेंड करता है कि आपको इंडिपेंडेंट जगह चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी से अगर आप करीब हैं तो कॉस्ट क्या होगी, यूनिवर्सिटी से आप दूर हैं, ये सब भी हम आपके लिए हमने आपको एक फ्री सर्विस दी हुई है, जो कि हम आपकी इस पर हर हर कदम पर आपकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। तो आप अकेले नहीं है, हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपके लिए चीजें सर्च कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास मौजूद है। अच्छा, एक और बात वीडियो के खत्म करने से पहले मैं फिर से कहूंगी कि अगर आप कहीं किसी भी देश में मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप ट्रांसफर बेसिस पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसमें ये कि जर्मन यूनिवर्सिटी से आपको रब्ता करना होगा, यानी अब मिसाल के तौर पर आपने अब इंडिया या पाकिस्तान में पहला या दूसरा साल या तीसरा साल पे आप स्टूडेंट हैं, तो आप उसमें ट्रांसफर केस जो है वो दुनिया में हर जगह होता है, ये ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ से वहां भी हो सकते हैं, वहां से यहाँ भी हो सकते हैं, बस उसमें एक लेवल देखा जाता है कि जो इनका तीन मिसाल के तौर पर आपको 2 साल कर चुके हैं, थर्ड ईयर में आपको आना है, तो जर्मन यूनिवर्सिटी आपको देखेगी कि आपका नॉलेज, आपका जो कोर्स है जो आपने किया, आपका जो लेवल है वो उनके हिसाब से थर्ड यानी कि थर्ड प्रोफ तक जो तीसरा साल है वहां तक आप उस लेवल तक बराबर आ रहे हैं कि नहीं, थोड़ी कमी बेची उनको नजर आएगी तो फिर वो आपको शुरू से करने को कहेंगे। तो ये ट्रांसफर जो है ये भी एक बहुत एक आम बात है, जरूरी नहीं कि आप पहले साल से स्टार्ट करें, किसी देश से यहाँ भी आ जाते हैं लोग, यहाँ से भी किसी और देश में चले जाते हैं, ट्रांसफर का सिस्टम पूरी दुनिया में एक वैलिड तरीका है, जो कि लेवल के हिसाब से फिर वो आपको आगे या पीछे कर देते हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग है तो फिर वो आपको उसी लेवल में बढ़ाते हैं जो आपका डिजायरेबल, जो आपने उस वक्त जो आपका टास्क आप करते हुए आए हैं, अगर आगे पीछे कुछ है तो फिर वो आपको पीछे कर देंगे और फिर आप वहां से शुरू कर देंगे। तो लिहाजा ये तमाम मालूमात हमने आप तक पहुंचा दी है, और ये जो ट्रांसफर की जो एक थोड़ी सी मैंने जो डेफिनेशन आपको दी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई साउथ एशियन कंट्रीज में या कहीं पर भी शुरू कर चुके हैं पहले दूसरे तीसरे साल में, और वो चाहते हैं कि वो बाकी की तालीम जो यहाँ आकर हासिल करें, तो ये भी पॉसिबल है। ये जरूरी नहीं कि आप वहीं पर 5 या 6 साल पढ़ने के बाद या 4 साल पढ़ने के बाद यहाँ पर आए, आप बीच में भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस फिर ये है कि वो देखा जाता है, वही लैंग्वेज बैरियर आता है कि आपने आपकी लैंग्वेज को आपने सीखना होगा, इम्प्रूव करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट लेवल।
तो ये सब बातें थी जो हमने बहुत ही तफसील से आप तक पहुंचा दी हैं। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमसे जरूर कीजिए, हम हर वक्त हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं आपके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, हर मौजूद हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए। जो भी जहन में आपके बात है वो जरूर कीजिए, देर न कीजिए, जो भी काम है उसे स्टार्ट कीजिए। अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त एडमिशन शुरू होने वाले हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर इस वक्त एडमिशन के सेशन शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही मुफीद मालूमात आपको फराहम कर चुकी है और बस हम इसी के साथ आपसे करेंगे अब इजाजत, और फिर हम आपसे कहेंगे कि सवालात करने में देर ना किया करें, रखें अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।